हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिम टिम लवली वर्ल्ड। आज हम जा रहे हैं घूमने सिटी फॉरेस्ट जो है गाजियाबाद में। और जैसे कि हर किसी को पिकनिक के लिए कोई अच्छा प्लेस चाहिए होता है, कोई अच्छी जगह चाहिए होती है, सो हमने ढूंढ लिया है गाजियाबाद में एक नया अड्डा जो है सिटी फॉरेस्ट। सो चलिए आज चलते हैं सिटी फॉरेस्ट। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक ताकि आपको पता चले कि ये सिटी फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। सो ये है यहाँ का एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट, जहां से आपको एंटर करना है इस सिटी फॉरेस्ट में। और मैं आई हूँ आज अपनी फैमिली के साथ इस सिटी फॉरेस्ट में, और हम एंजॉय करेंगे इस बहुत ही अच्छी पिकनिक को, और आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। टिकट प्राइस बस 10 रुपये है यहाँ का, और इस 10 रुपये में आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए आपको अलग से चार्जेस लगेंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं या साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। हम इस सिटी फॉरेस्ट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे कि ये सिटी फॉरेस्ट कैसा है। बहुत बड़े एरिया में इस पार्क को बनाया गया है, और वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है ये, बहुत ही खुला स्पेस है ये। स्पेस के साथ साथ बहुत हरियाली है इसमें, जो कि बहुत अच्छा है। इस पार्क को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। कुछ एरिया में आपको डक्स मिलेंगी, कुछ में आपको रैबिट्स मिलेंगे। एक्टिविटीज़ के लिए अलग स्पेस बनाया गया है। सो देखते हैं कि ये पूरा पार्क जो है कैसा है। पार्क के अलग अलग सेक्शंस में इन्होंने कुछ स्टैचूज लगाए हैं जो कुछ जगह के कल्चर को दिखाते हैं। इस तरह से बहुत ही बड़ा एरिया है वॉक करने के लिए, और हम आगे चलते ही जा रहे हैं कि ये वॉक करने का एरिया कितना बड़ा है। वॉकिंग पाथ के साइड में जो स्पेस है पेड़ों के बीच में, वो बहुत ही अच्छा है। सब लोग ने वहाँ मैट बिछा के बहुत ही अच्छा पिकनिक का बंदोबस्त किया है। आगे चलकर हम भी मैट बिछाएंगे और अपनी पिकनिक को स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ ही हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल हैं।
यहाँ वॉक करने के लिए अलग स्पेस है और साइकिलिंग के लिए अलग स्पेस है, जो कि वॉक करने वालों को इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ बहुत ही अलग अलग टाइप के बर्ड्स दिख सकते हैं आपको, और इसी दौरान हमें भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड दिखा जो हमने वीडियो में कैच किया है, और आई होप आपको भी ये बर्ड दिख रहा है। वॉकिंग एरिया के साथ साथ हम पहुंच गए हैं अब एडवेंचर जोन के पास। सो देखिए इस एडवेंचर जोन को, जहां पे बच्चे टायर्स वाले पिलर पे चढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही किड जोन भी स्टार्ट हो गया है, जहां बच्चे अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, झूले ले रहे हैं, और इसी के साथ ही टिमटिम ने भी झूले इंजॉय किए। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्लेस है, और ये है बोटिंग लेक। सो चलिए आप देखते हैं ये एरिया भी। यहाँ पैडल बोट्स और मोटर बोट दोनों ही अवेलेबल है, सो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके चार्जेस जो है वो बोर्ड पे मेंशन है।
यहाँ है कैमल राइड और इंजॉय कर सकते हैं आप इस कैमल राइड को। अब हम पहुंच गए हैं डक्स के एक ब्यूटीफुल एरिया में जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल डक्स हैं और आप इस डक्स को खाना खिला सकते हैं। इस पूरे सिटी फॉरेस्ट को घूमने के लिए आप सफारी बुक कर सकते हैं जो कि आपको सिटी फॉरेस्ट में ही मिलेगी। इसी के साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी बना है जहाँ आप पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यहाँ पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है, बाइक्स के लिए अलग पार्किंग एरिया है और कार के लिए अलग पार्किंग एरिया है। सो ये थी हमारी सिटी फॉरेस्ट की विजिट। आई होप आप सबको ये विजिट पसंद आई होगी और आप भी जाएंगे इस सिटी फॉरेस्ट में और एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। So do like, subscribe and share this video. And take care. Bye-bye.